आरएसडी एकेडमी पब्लिक स्कूल में विश्व साक्षरता दिवस पर पोस्टर व स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम आरएसडी के निर्देशक डॉ. विनोद कुमार एवं डॉ. जी कुमार ने सभी छात्र व छात्राओं को विश्व साक्षरता दिवस की बधाई दी और कहा, आप सब अपने पर गर्व कीजिए कि आप शिक्षित हैं। और उन्होंने सभी छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि आज हम विश्व साक्षरता दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि साक्षरता का अर्थ है लिखना, पढ़ना व अक्षरों का ज्ञान होना। आज की दुनिया में साक्षर होना बहुत जरूरी है, इसलिए पढ़ें और पढ़ाएं, इस जीवन को सफल बनाएं। कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर मयंक शर्मा ने सभी छात्रों को कहा कि आप सब आज प्रण लीजिए कि हमें घर घर दीप जलाना है, सभी को साक्षर बनाना है। आज हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। प्रतियोगिता का आयोजन लेफ्टिनेंट कुमारी सुखरानी व निरीक्षण अंजू सुखीजा के द्वारा किया गया, जिसमें प्रथम सम्राट कुमार व रितेश प्रजापति व द्वितीय मान्य गौतम रंजना तथा तृतीय संस्कार अबुजर स्थान प्राप्त करने वाले छात्र व छात्राओं को विद्यालय के प्रधानाचार्य अभिषेक शर्मा के द्वारा मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अमित बिश्नोई, एसपी शुक्ला, अरमान मिश्रा, अभिषेक बिश्नोई, दीपक रस्तोगी, मोहित चौधरी, मयंक कश्यप, शुभम आकिब, अमन निधि सिंह, समीक्षा अग्रवाल, निपुण आदि अध्यापक अध्यापिकाएं उपस्थित रहे। अपने मुरादाबाद जिले के सभी लोगों को विश्व साक्षरता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साक्षरता दिवस हर वर्ष किसी न किसी थीम पर आधारित होता है, और वर्ष 2022 में इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। तो इसके अंतर्गत आज लेफ्टिनेंट कुमारी सुखरानी के मार्गदर्शन में हमारे स्कूल के छात्र छात्राओं ने पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, जिसके अंतर्गत आज बच्चों ने पोस्टर के माध्यम से जो यज्ञ चल रहा है विश्व को साक्षर बनाने में, जिसमें भारत का योगदान अभी 84% लगभग विश्व साक्षरता से कम है और 74.4% लोग ही विश्व हमारे यहाँ भारत देश में साक्षर हैं। तो बच्चों ने उस यज्ञ में अपनी आहुति देते हुए जन जन तक संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है कि सभी लोग साक्षर बने और विश्व के अंदर हमारे देश की साक्षरता का प्रतिशत 100% हो, और हम सभी का ये योगदान विश्व को दोबारा से ये बताने के लिए रहे कि हमारा भारत देश विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु ही रहेगा। इसी के आधार पर जब बच्चों ने पोस्टर के माध्यम से अपने सचित्र माध्यम से विभिन्न रंगों का प्रयोग करते हुए ये संदेश पहुंचाने का प्रयास किया, तो निर्णायक मंडल के रूप में आरएसडी समूह के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार, साथ ही अंजू सुखीजा मैडम ने निरीक्षण में पाया कि बच्चों का जो विकास है, मानसिक विकास और उनकी सोच विश्व को साक्षर और भारत देश में साक्षरता को आगे ले जाने के लिए, वो बहुत ही ज्यादा परिलक्षित हो रही थी। और उसी के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार विजेताओं को दिए गए और मेडल पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम के दौरान आरएसडी समूह के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं मौजूद रहे।